मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे बच्चे को अभी वो जिंदगी से खेल रहा है बहुत बुरे तरह से, उसकी नाउम्मीद है मेरे बच्चे की। गुम चोटे थी सारी, गुम चोटे कि अम्मी मेरे यहाँ भी मारा और मेरे सीने में भी ईंटें मारी, मेरे पैरों में भी मारी और मेरे साथ के गलत काम करा, पीछे से भी आगे से भी बहुत बुरा असर करा मेरे बच्चे के साथ। बाईस तारीख को मुझे सही सही बताया, अम्मी तुम मुझे मारोगी और ये वो लोग मुझे मार देंगे अगर मैं बताऊंगा तो मैंने कहा बेटा नहीं मारेंगे, तुम मुझे बताओ। कहने लगा नहीं अम्मी बहुत मारेंगे मुझे, और तो उन्होंने तीन जनों का नाम लिया कि मेरे साथ गलत काम करा बहुत बुरी तरह से, बहुत बुरी, अम्मी बहुत दर्द हो रहा था, अम्मी ईंटें मारी है, पत्थर मारे हैं, बहुत बुरी बुरी तरह से मुझे बहुत मारा है, न्याय मिलना चाहिए मुझे, मेरे बच्चे चाहिए मुझे, बहुत बुरा असर कर रखा मेरे बच्चा, खेलता खालता ही छीन लिया इन लोगों ने मेरे बच्चे को। देखा यह जाता है कि जनरली लड़कियों के मामले में सेंसिटाइज्ड होते हैं, लेकिन लड़कों के साथ भी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। ऐसे में पेरेंट्स का यह फ़र्ज़ बनता है कि वो उन्हें भी सेंसिटाइज करें और ख़ुद भी इस मामले में सेंसिटाइज्ड हों। जैसा कि इस मामले में भी देखा गया कि लड़के ने पेरेंट्स से बात छिपाने में डर से छिपाए रखी और पेरेंट्स ने भी ना समझते हुए इसमें देरी की। लड़कों के साथ भी जब ऐसी घटनाएं हो जाती है, ऐसे में अभिभावकों का यह फ़र्ज़ बनता है कि वो उन्हें भी गुड टच बैड टच थ्योरी बताएं और सभी लोग इस मामले में आसपास में ध्यान रखें और जब भी ऐसी घटना नज़र आए तुरंत रिपोर्ट करें। प्रॉब्लम ये है, जैसे ही वो लड़का होता है हमारे समाज में, लड़के के ऊपर एकदम से साइकोलॉजिकल प्रेशर आता है, हम लोग देते नहीं, प्रेशर ही आता है कि उसको घर का हेड बनना है आगे चल के, घर को लीड करना है आगे चल के। उसकी वजह से उस नन्हे से बच्चे के ऊपर ये जिम्मेदारी अपने आप उसके मन में आ जाती है कि मुझे लीड करना है तो फिर मेरे को कोई नुकसान नहीं कर सकता है। ऐसे में अगर उस बच्चे के संग ये हादसे होते हैं, जो कि होते हैं ज़्यादा इसी वजह से होते हैं, तो वो बच्चा आके किसी को बता नहीं पाता क्योंकि उसे लगता है कि अगर मैंने ये बता दिया तो शायद मैं लड़का नहीं माना जाऊंगा और अगर मैं बता दूंगा तो शायद मैं कल को घर को लीड नहीं कर पाऊंगा। फिजिकली उसको एक तरह का शॉक लगा, मेंटली उसको एक तरह का शॉक लगा और बच्चा एक्यूट डिप्रेशन में चला गया। और सबसे बड़ी जो एक कहानी है, जो एक बीमारी है, वो है PTSD, जिसको कहते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। मतलब अगर हमारे माइंड या बॉडी पे कोई ट्रॉमा होता है, चाहे वो फिजिकल ट्रॉमा है, चाहे वो मेंटल ट्रॉमा है, चाहे वो सेक्सुअल ट्रॉमा है, वो यादें, वो सिचुएशन हमें बहुत ही पैनिक करती हैं। वो बच्चा पैल्पिटेशंस होते हैं, उसको धड़कन बढ़ जाती है, उसकी सांसें रुक जाती हैं, उसका ये लगता है कि बिल्कुल होपलेस हो गया हूँ।